आप न्यूट्रल से आदमी लगे मना मैं तो गंगा न्यूट्रल है जो उसने बुला के ना और सारा खड़िया समर्थन दे दिया इब तो चाहे न्यूट्रल मान ले चाहे तो सही मान ले ताप गैर में ताऊ तो मैं तू न्यूट्रल कूदा 3,000 वोट में तो 2,000 प्लस तो कुकी के ये बाकी 200-300 सारे। हाँ जी किसका माहौल पूरे कुकी का माहौल है जी कुकी का। हाँ जी कुकी का है क्यों गुआंडी भाई रहेगा जी। अच्छा तो सर हम तो एक सर्वे कर रहे हैं और सर्वे भी मैं न्यूट्रल आदमी हूँ मैं तो सामा लगा पड़ा है मेरा आपका लेना देना भी कोई नहीं तो क्या जिला परिषद के वार्ड नंबर 10 का मैं सर्वे कर रहा था। हाँ जी तो यहाँ पर क्या माहौल लग रहा है आपको। देखिए जिला परिषद 10 का जो उम्मीदवार हमारा आशीष गोदारा उर्फ कुकी। अच्छा बहुत बढ़िया प्रोग्रेस चल रही है बहुत बढ़िया इतना शानदार हर गाँव में बंदे का प्रचार इस तरह से हो रहा है कि पहली बार कोई उम्मीदवार इस तरह का मिला है जो संस्कार और संस्कृति को लेकर के गांव दर गांव अपना प्रचार कर रहा है भाई आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको किस तरह से नशे की जो प्रवृत्ति फैल रही है उससे दूर रखा जाए उनके बच्चों की पढ़ाई की लिखाई की कोई बात है उस तरह का प्रचार करके और हर गांव में बहुत शानदार। तो आप भी कुकी के लिए मैं तो उन्होंने देखा था मैं बैनर बानर कोनी गाड़ी पर दिखाइए कैमरा मैन तो कहूँगा एक बार मैं तो इसलिए आप मतलब पूछी थी मैं उस पर कोई बैनर फोटो किमें कोनी यो तो न्यूट्रल आदमी पाओगा आप भी कुकी के लिए यानी कि मैं उरे जितने भी पूछे हैं कुकी कुकी का कारोल आ रहा है पूछी तो न्यू थी मैं कोई न्यूट्रल से आदमी बार के पाओगे मन के मेरा आप कुकी के मतलब पाओगे। जी, 10 नंबर वार्ड का कुकी जो है ना टॉपर विजेता रहेगा पूरे डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा ये भी बताऊंगा आपने पूरे डिस्ट्रिक्ट का मैंने गेल न्यू विकेट बोला चेयरमैन भी बनेगा बिल्कुल बनेगा बिल्कुल बनेगा आने वाले समय में एमएलए भी बनेगा जो थोड़ा। अच्छा हाँ ले भाई पक्की नीम दर्दी है वो न्यू का अगर ना बोला गड किले की नीम आड़ दरी गई आज। हाँ। चेयरमैन बनावांगे सीधा ही चेयरमैन ने वोट देंगे मतलब पार्षद ने नहीं पार्षद तो बनेगा सीधा चेयरमैन ले भाई चेजी ला रखी है यार ये मेरे ख्याल राजनीति तो गणे दूर पाओगे मिस्त्री है अरे भाई गार पकड़ान ला रहा घर में चेची लगा रखी है इनने पूछा कि तसल्ली जी दो है भाई हर एक जगह पूछा अभी राम राम भाई साहब मिस्त्री जी बैठ जा बैठ जा बैठ जा थोड़ा ऊंचा नीचा का फर्क हो गया इसको बुझा जी इसको अरे बता दे एक बार तू भी जिला परिषद का माहौल बता दे जिला परिषद कुकी को लगा जी कुकी का लगा है देख ले भाई कुकी के नाम तो ईंट भी नीचे छोड़ दी अरे नहीं तो कौन बतावा था सरपंच क्या कौन पूछता मैं जिला परिषद का पूछूं कुकी को लगा कुकी जिला परिषद में है कि। अच्छा बहुत अच्छा तो आप बताओ भाई साहब कुकी का जी कुकी का। हाँ 100% आप कुकी का जी बहुत बहुत बढ़िया माहौल है जी कुकी का फुल सपोर्ट है गाँव डंडी तो नहीं रखा है कुकी तो फिर डंडी रखा हुआ है जरूरी है डंडी डंडी वाले साथ ना ना, ना, ना। ये कोई चक्कर को नहीं वो तो शौक है किसी ने है शौक डंडी है किसी ने मैं भी रखा करता डंडी तो मूछ मूछ रख रहे हो मूछ भी दाऊ सी कौन रख रहा है लेकिन एक बात बताऊं आपने मैं ना मेरे लिए तो ठीक है एक बात है और किसी का मतलब सेकंड नंबर पर टक्कर किस तरह इसकी इसी की टक्कर नहरा तो उसका। अच्छा यह मेहनत तो और तो कोई टक्कर ही को नहीं तीन ही है तीनों की टक्कर अच्छी बढ़िया है क्यों बारसों तो बड़ा गांव है उनके उस गांव में वोट है लेकिन कुकी जो हमारे छोटे छोटे गांव हैं जिस तरह सुंडावास हो गया खरिया हो गया डोबी हो गया अरे उनमें बहुत अच्छा है माहौल है भाई खारी है में तो मेरे ख्याल में सारा है कुकी का लगा ना बस वो है वो बात है है सब के आ गए बहुत सारे हैं नाराज किसी ने देना भी चाहिए नाराज नहीं क्योंकि सभी अपनी अपनी उम्मीदें लेके अपने पास आ रहे हैं तो ये माहौल होता है। नाम क्या आपका पंकज पंकज गोद के है आपका बैणीवाल बैणीवाल तो बैणीवाल के लगभग सारे वोट कुकी ने कुकी ने हां कुकी का क्या गोद से कुकी का गोदारा गोदारा बैणीवाल की आपस में बिगड़े कौन रही के ना ना नहीं क्या में बिगड़ गया चलो भाई मजाक क्या देता है और आ जाओ और अगले चलूंगा इन्हें दिखाइए एक बार इन गाड़ी खड़ी गणी क्या के दफ्तर से केस होता है सरपंच जी के दफ्तर से। अच्छा उड़न ले चलूंगा भाई तुमने आ जाओ भाई एक बार बंद कर ले कैमरन ले भाई ये सनी शक्ति धाम इधर हो गया निर्माण दीन हजार वीर गोगा मंदिर आ गया दादा खेड़े की जय आ रही भाई साहब खड़िया एक बाइक वाला यो खड़िया एक बार राम 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 जी कहाँ से है ये इसे जी खारिया से खारिया से ये नाम है राजेश जी राजेश। हाँ जी अच्छा अब न्यू बताओ एक शाने से आदमी लगे मने पूरे जिला परिषद का वार्ड नंबर 10 पड़ता होगा। हाँ जी किसका माहौल पूरे कुकी का माहौल है जी कुकी का। हाँ जी कुकी का है क्यों गुआंडी भाई रहेगा जी। अच्छा और वो हमारा पानी का झगड़ा सिस्टम हो रहा है उस हिसाब के बाढ़ समझा रहा सके। अच्छा हाँ बाकी ठीक से उसकी हवा भी ठीक सिस्टम था लेकिन
फाइट में है वो भी, लेकिन ज्यादा से कुकी का ही है। कुकी का? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो कुकी ने कोई काम कुम भी कराए हैं क्या? काम ने तो यूजी लाइटा लुटा काम चोखा पहले करवा रखे उसने। अच्छा गाम में। अच्छा लड़का। अच्छा चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए भाई इस साइड ने, और ये रसम बैठे हैं कि मैं कौन बैठे हैं, ये काफ़ी आदमी बैठे हैं यहाँ पर, और इनसे भी पूछेंगे क्या सरपंच का ऑफिस है या ये भाई। वैसे घेर में कुर्सी तो अच्छी गल रही है टेंट हाउस की, और पूछेंगे सारे। राम राम जी। राम राम। राम राम। नमस्कार जी। तो काफ़ी बुजुर्ग और सारे सुलझे हुए आदमी बैठे हैं यहाँ। राजनीति इनकी नस नस में बसी होगी क्योंकि काफ़ी इलेक्शन इन्होंने लड़े हैं। कोई भी 50 साल तक कम को नहीं, सारे 50 साल तो ऊपर ऊपर हैं, 60 के 65 के 70 के। तो हम इन तभी पूछांगे, एक खुला माहौल के बीच में हम आए हैं भाई। आज ये जा रहा था हम रास्ते से, लेकिन क्या है कि गर्मा गर्मी माहौल जो है, अब 2 दिन रह गए इलेक्शन के बीच में, तो 22 को आपको मेरे ख्याल जिला परिषद का उसका इलेक्शन है। तो मैं इसी के बारे में आपसे थोड़ी राय जानना चाहता हूँ, यदि आप खुल के बता सको तो। नमस्कार जी, सबसे पहले आपसे पूछ लें। नमस्कार जी। राम राम। ये नाम बताएंगे सर आपका? दलपत राय। तो सर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लोग ज़्यादातर खुल के, कई वार्डों में खुल के नहीं आते लोग, यहाँ लगभग जिला परिषद में खुल के आ रहे हैं लोग, खुला समर्थन दे रहे हैं, जैसे MP MLA का देते हैं ऐसे। तो आपको क्या माहौल लग रहा है? हमारे यहाँ तो भाई कुकी का माहौल बढ़िया है। अच्छा। और मारगाम में तो कुकी की जो है वो बहुत ज़्यादा वोट है। कितने वोट है टोटल खारिया में? टोटल लगभग 3.5 के आसपास। तो कुकी कितने ले जा सकता है? ठीक सर, एक मिनट। कुकी यहाँ मेरे ख्याल में 2.5 के आसपास पोल होते हैं लगभग। अच्छा। 2.5 2700। अच्छा अच्छा। तो हमारा अंदाज़ा ये है कि कुकी के यहाँ से जो है कम से कम 1800 वोट निकलने चाहिए। जी बिल्कुल, अनुभवी आदमी हैं आप, झूठ नहीं देखो, कहेंगे। झूठ साच का दीप के बरा भी हमारा तो आंकलन है, ये अंदाज़ा ये। और बाकी जो है वो जितने भी कैंडिडेट है ना वो सारे देखो, वोट तो हर कैंडिडेट के होते हैं। बिल्कुल, आपस में इससे कम नहीं रहेंगे। सर आप कहाँ से हैं? जी यहीं से ही हूँ मैं भी, यहीं से। नाम बताएंगे? सुभाष चंद्रा जी। आपको क्या लग रहा है? हमें भी यही है, मास्टर जी ने जो बताया, हमारे सब जो है ना विचार भी है, हमने संगठन बना के नहीं उनको समर्थन भी किया। अच्छा। बिल्कुल, यानी कि खारिया ने समर्थन कर रखा है लगभग। खारिया डोबी ज्वाइंट कैंडिडेट हमने जो है ना पहले से ही राय बना के नहीं एक कैंडिडेट बनाया था। अच्छा। इस वजह से जो है ना कुकी खारिया डोबी से जो है ना 80% वोट की उम्मीद है। तो यहाँ आप इकट्ठे, पहली बात तो यहाँ पूछनी भूल गया मैं, पूरे इकट्ठे बैठे हो, किसी कोई दफ्तर है क्या किसी चीज़ का? यहाँ जो है सरपंच का के, कौन से सरपंच का? राजवीर सिंह धोलू। अच्छा जी। तो यहाँ खारिया से कितने सरपंच खड़े हैं? 8 उम्मीदवार है। ऐसे उम्मीदवार 9 है। अच्छा। राजिंदर सनोब दशरथ था, वो राजवीर के पक्ष में अपना समर्थन कर दिया। अच्छा। अब रह गए 8 कैंडिडेट जो प्रेजेंट, एक हाँ वो रात एक तो भाई राजवीर सरपंच के, ये यहाँ पर जो बैठे हैं सारे उनके कार्यकर्ता बैठे हैं, सर बैठे हैं, इनसे और पूछेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर आप कहाँ से? मैं गांव से हूँ, खारिया से ही। सुरेंद्र बेनीवाल। सुरेंद्र बेनीवाल। तो सर आपकी क्या राय? हमारी राय तो ये है राजवीर अच्छे वोटों से जीतेगा। मैं जिला परिषद की ओर पूछ रहा हूँ। जिला परिषद तो कुकी है जी। कुकी? हाँ सर। आपको बताएं कुकी या और कोई? कुकी। डोबी नाम ज्यादा वोट काटा है कुकी है। खारिये में? हाँ। ये ले भाई, मैं क्या करूँ भाई, वास्तव में सच्चाई ये है कि मैंने कसम है आज तक कुकी की शक्ल नहीं देखी है, कुकी से मिला नहीं हूँ कभी, और मुझे नहीं पता कुकी कौन है, किस गांव से है ये भी नहीं पता मेरे को, लेकिन जहाँ से लगे हूँ कुकी का कुका रोड़ा हो रहा है। और यह सुन रहे हो भाई नुक है उसके गाँव तो फालतू वोट गए, उसके गाँव में कितने वोट? उसके गाँव में हमारे गाँव नाम ज्यादा वोट है 3600। और तामी किस तरह दे दोगे उस तो फालतू? अच्छा, परसेंटेज के हिसाब से उसने जीता के निकाला। होता नहीं जीता के। अच्छा, नाम क्या है आपका? राजवीर। राजवीर। अच्छा अच्छा। डोबी से ज्यादा हम निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे? हम दूसरे गांव तक जाके ले आवांगे। अच्छा। दूसरे गांव तक मतलब दूसरे गांव की सपोर्ट करेंगे हम जाके। ये बात हमारे गांव की तो है ही है। हां हां बिल्कुल। बाकी जैसे सुंडावास हो गया। हां जी हां जी। सुंडावास में जाके जो हम सपोर्ट करेंगे कुकी की, तो वहाँ से 200 वोट वहाँ से ले आएंगे, 500 ले आएंगे, बांडेडी जावांगे,
बांडड़ी भी सपोर्ट कराएंगे, वहाँ भी करेंगे, भी है तो डोबी से इसलिए ज्यादा कर देंगे हम। जी जी बिल्कुल कर दोगे फिर तो ज्यादा के कई गुणा कर दोगे इस हिसाब से तो ज्यादा की लाओगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई जी। आपका नाम? घासीराम। घासीराम तो आप सरपंच के उम्मीदवार हो गए? ना सरपंच। अच्छा अच्छा नंबरदार हैं आप। हाँ जी। तो नंबरदार तो सरकारी आदमी हो सब, तो सरकारी तनख्वाह सरकार के लिए वो सरकारी हो है। सरकारी बतात को ना फिर, लेकिन मेरा आस्ते कानून बता दे के माहौल है। ठीक है माहौल जमा की तरफ जिला परिषद। ना ना जिला जिला परिषद जिताओगे उसने? कुकी ने। कुकी ने जिताओगे? हाँ। अच्छा तो उसकी टक्कर में कौन सा है भाई साहब बताओगे? कुकी की टक्कर में कौन है? पर टक्कर में तो अब एक ही बच गया, वो थोड़ा वो सुनील नेहरा। हाँ बस। अच्छा। और तो दूसरा था वो तो बैठ ही गया, और तो कोई फाइट में भी कौन थे, वो बैठ ही गया। वो दूसरा था वो तुलसीदास, वो अच्छा। वो बैठ गया और फाइट में यही है। वैसे ये बहुत मिलो आगे उससे। अच्छा। वो जो नेहरा है उससे मिलो आगे है ये कुकी। कुकी बढ़ गया। अच्छा आपने तो बना दिया। मैं मानू को नहीं, मेरे ताऊ बैठा के लेकर मैं जब मानूंगा मेरे ताऊ के देगा। राम राम ताऊ। राम राम बेटा। के नाम है? घासीराम। घासीराम तो न्यू बता सच्ची ये तो के बेरा ले सारे उसके मित्र हो सो बात से आप न्यूट्रल से आदमी लगे मना। मैं तो के माहौल जब मैं न्यूट्रल है जो उसने बुला के ना और सारा का खरिया समर्थन दे दिया। इब तू चाहे न्यूट्रल मान ले चाहे तू सही मान ले। ताप गैर में ताऊ तो मैं तू न्यूट्रल कूदा लेकिन हाँ भाई हाँ सब तो तेज निकला ताऊ नू का हमें समर्थन दे दिया जी जिक्र आए के। हाँ जी हाँ जी। मैं एक बार और पूछ लूँ भाई साहब। राम राम। आप यंग हैं जवान हैं आप बताएं भाई क्यों ही कुकी ही क्यों और क्यों नहीं? भाई कुकी बढ़िया बंदा है, सबने साथ लेके चलने वाला, समझदार पढ़िया लिखा छोरा है। और ये पहली बार का बाल संबंध है बाहर आओगी जिला पार्षद। अच्छा नहीं बाल से नाला ऐसी मिली थी। हाँ बस वो अपने वोट इकट्ठे कर लियो भी बाल संबंध बाहर जानी नहीं है। अच्छा या इबका आओगी? इबका आओगी। हाँ तो इब का बाल समार बढ़िया लड़का बताओ। हाँ बढ़िया छोरा। अच्छा नू बताओ कहते वोट क्या पक गया निशान का भी रह सके? उगता सूरज है एक नंबर। अच्छा, निशान है एक नंबर पर होगा भाई। देखो ये सारी चीज आपने मैं भी दिखा दी और सरपंची के हिसाब से बैठे हैं लेकिन खारिया और डोबी ये कहीं भी सुनोगे तो बोला डोबी कौन सी खारिया खारिया कौन सा डोबी। खारिया डोबी एक जुड़ोड़ा नाम है। हाँ बिल्कुल ये घने गांव इसे हैं जो गांव के सती गांव का नाम लगा है और ऐसे गांव हरियाणा में बहुत गणे हैं और उन्हीं में से एक ये जोड़ा यो है खारिया डोबी। ये आज कौन पाटन भाई क्या तभी और कुकी का माहौल जो है कुकी कुकी कुकान लग रहे हैं और भाई जो गांव कुका होने नुका अगर है वो मेरे ख्याल पार हो जाए अगर। और जब जनता कहती है ना जनता जनार्दन जनता भगवान होती रही है खास करके लोकतंत्र में तो जनता ही भगवान होती है और भाई जनता कुकान लग रही है कुकी। आइए मैं और लिए चलता हूँ तसल्ली पूरी करवाऊंगा तारी आज अगले गांव में ले चलता हूँ मैं डोबी की तरफ और बालसमंद वहाँ और ले चलता हूँ। एक बात और बताऊँ भाई साहब बताइए इसार जिले का जिला परिषद का 10 नंबर वार्ड का कुकी जो है ना टॉपर विजेता रहेगा पूरे डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा ये भी बताऊँगा आपने पूरे डिस्ट्रिक्ट का मन गेल बोला चेयरमैन भी बनेगा। बिल्कुल बनेगा बिल्कुल बनेगा और आने वाले समय में एमएलए भी बनेगा जो थोड़ा। भजन लाल गाजद एन शिखर था ना उस टाइम वो ये कहा करते भाई थे एमएलए बना दो माने तो एमएलए कौन बनाओ थे सीएम का वोट करो तो हम तो चेयरमैन बनाओ बड़ा हम तो भाई हम भी सीधा मुख्यमंत्री बना कर दी तू सा मलका का हूं मुख्यमंत्री तो वोट घाट देंदे कौन चेयरमैन तो वोट घाट आड़ कौन देंदे क्योंकि भाई जो नु कहा ना बोले फलाना दिखड़ा खून मुंह लाग रहा है भाई मारे तो लाग रहा है सीएम ने वोट देंगे क्या चेयरमैन ने देंगे तो ये आप चेयरमैन को वोट दे रहे हैं। सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी नमस्कार और देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा चैनल सब्सक्राइब कर लो सारे अपने अपने चैनल यूट्यूब पे लोक प्रसार हरियाणा। आइए और ले चलता हूँ।